ये है दोस्तों माइक्रोमैक्स 1756 जो एक कीपैड वाला फोन है। फोन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और इसका प्राइस जो है वो बहुत ही कम है। तो देखेंगे कि बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको मिलता है, फोन की क्वालिटी कैसा है, फोन के साथ आपको क्या क्या मिलता है, फोन का यूजर इंटरफेस कैसा है, कीपैड कैसा है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और अगर पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। फोन का जो बॉक्स है दोस्तों वो आपको ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे माइक्रोमैक्स का लोगो है, यहाँ पे लिखा है सुमो सीरीज, यहाँ पे लिखा है 3000 mAh मैराथन बैटरी, यहाँ पे दोस्तों मॉडल नंबर 1756 लिखा है, यहाँ पे दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन फीचर्स लिखा है जैसे कि 21 रीजनल लैंग्वेज रीड एंड राइट, एंटी थीफ, पावर टॉर्च, ब्लिंक ऑन कॉल, ब्लूटूथ कॉलर फंक्शनली, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब लिखा है। और यहाँ पे एक पिक्चर दिए गए, इस साइड में माइक्रोमैक्स का लोगो है, इस साइड में भी लोगो है, इस साइड में कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस साइड में भी कुछ भी नहीं। पीछे दोस्तों आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है जैसे कि इसका डिस्प्ले जो है 2.5 इंच स्क्रीन, वायरलेस एफएम रेडियो, 3000 mAh बैटरी, पावर सेविंग मोड साथ में आपको आता है दोस्तों, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, डिजिटल कैमरा और दोस्तों वीडियो म्यूजिक प्लेयर, डुअल सिम, ब्लूटूथ कॉलर फंक्शनली, पावर टॉर्च, एंटी थीफ और वही 21 भाषाएं आते हैं इसमें। यहाँ पे दोस्तों लिखा है नंबर टॉप बैक, मतलब दोस्तों कीपैड में दोस्तों वन प्रेस करोगे तो वो स्पीकर में वन बताएगा, ये भी फीचर्स दिए गए। यहाँ पे दोस्तों कुछ कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिए गया है और दोस्तों ईएमआई का इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अभी फ़ोन की सील जो है ब्रेक करेंगे और आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या है। चलिए फटाफट फ़ोन को ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों इस रैपर के अंदर आपको फ़ोन मिलता है, ये है दोस्तों हमारा फ़ोन है, आपको डिटेल में दिखा देंगे दोस्तों। इसको साइड रख देते हैं और क्या क्या है अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको एक ह्यूज बैटरी देखने को मिलता है, बैटरी का साइज़ जो है आप देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी बड़ा साइज़ है बैटरी। फ़ोन में दोस्तों देखिए फ़ोन का साइज़ जो है और बैटरी का साइज़ कितना है, यहाँ पे लिखा है कि 3000 mAh का बैटरी और जो है चार्जिंग लिमिट है 4.2 वोल्ट। तो इसको साइड कर देते हैं और देख लेते हैं साइड में क्या क्या है। इसमें दोस्तों एक वायर चार्जर दिए गए है, मतलब दोस्तों डेटा केबल एडाप्टर सिस्टम का चार्जिंग जो है वो नहीं दिए गया है। यहाँ पे दोस्तों एक वायर वाला चार्जर दिए गया है और दोस्तों चार्जिंग का जो आउटपुट आप देख सकते हो 5 वोल्ट 700 mAh आउटपुट है, ठीक ठाक चार्जिंग कर लेता है दोस्तों। और दोस्तों कीपैड फ़ोन में तो आप फास्ट चार्जिंग का उम्मीद भी नहीं लगा सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे यूज़र गाइड मिल जाएगा आपको, ये वाला यूज़र गाइड मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सब को हटा देते हैं और दोस्तों फोकस डालते हैं मेन फ़ोन में। फ़ोन दोस्तों आपको ऐसे देखने को मिलता है, ऊपर एक स्टिकर है, हटा देते हैं इसको। तो हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टिकर हटने के बाद देखिए 1756 ऊपर कॉर्नर में और नीचे माइक्रोमैक्स का लोगो। फ़ोन आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले है 2.4 इंच का और यहाँ पे कीपैड दिए गया है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पूरे चारों ओर दोस्तों एक ब्लैक कलर का ग्लॉसी फिनिश दिए गए हैं। नीचे आपको यहाँ पे हेडफोन जैक मिलता है, यहाँ पे प्राइमरी माइक्रोफोन और दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे दोस्तों आपको कैमरा मिलता है और स्पीकर ग्रिल। ऊपर दोस्तों 4000 LED लाइट दिए गए हैं, ये दोस्तों टॉर्च के लिए दिए गए हैं 4000 LED लाइट। अभी दोस्तों इसमें हम बैटरी लगाएंगे और फोन को ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्पीकर, एक बड़ा स्पीकर लगा है और यहाँ पे कैमरा है और यहाँ पे दोस्तों दो सिम कार्ड लगाने के लिए जगह है। ये दोस्तों मिनी सिम कार्ड को सपोर्ट करेगा, यहाँ पे दोस्तों माइक्रो या नैनो सिम नहीं लगा सकते हो और यहाँ पे दोस्तों माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो जिसको दोस्तों आप एक्सपेंड कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें हम ये बड़ा वाला बैटरी लगाएंगे। फ़ोन का जो नॉर्मल वेट है दोस्तों वो काफ़ी हल्का फुल्का फ़ोन है, बट दोस्तों जब हम बैटरी इंसर्ट करते हैं तो ये थोड़ा हेवी हो जाता है। तो अभी दोस्तों हम बैक पैनल को लगा देते हैं और दोस्तों फोन को हम ऑन करते हैं। फोन दोस्तों जो है हमारा ऑन हो गया है, काफी जल्दी ऑन हो गया है फोन। ये तो सभी दोस्तों माइक्रोमैक्स फोन की तरह ही यूजर इंटरफेस आपको मिलता है। यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे कुछ आइकन दिया गया है, ये सेटिंग है, कॉल सेटिंग आपको बहुत सी मिलता है और यहाँ पे दोस्तों एक डेडिकेटेड की मिलता है जिसमें आपको टॉर्च का साइन है, मतलब दोस्तों इसको अगर आप कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखोगे तो ऊपर की तरफ जो दोस्तों चारों एलईडी लाइट था वो जल गया है। तो दोस्तों काफ़ी लाइट है इसमें देख सकते हो, मैं दोस्तों आपको सारी लाइटें जो है ऑफ करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा ये जो टॉर्च का लाइट है काफ़ी पावरफुल लाइट है। फिर से दोस्तों ये जो डेडिकेटेड बटन है टॉर्च के लिए, इसको होल्ड करके रखेंगे कुछ देर तो ये दोस्तों टॉर्च ऑफ हो जाएगा। तो देखिए टॉर्च ऑफ हो गया है। कीपैड काफ़ी अच्छा है दोस्तों,
ऐसे इजीली दोस्तों इसको यूज कर सकते हो। अभी देख लेते हो दोस्तों इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज कुछ मिलता है या नहीं। हाँ दोस्तों इसमें आपको नहीं मिलता है इंटरनल स्टोरेज, क्योंकि जो भी काम करना चाहोगे तो आपको दिखाएगा कि मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने के लिए। कैमरा भी इसमें आपको दिए गया है, कैमरा का क्वालिटी भी आप देख सकते हो, बट दोस्तों फोटो खींच नहीं सकते क्योंकि दोस्तों मेमोरी कार्ड इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये वाला फ़ोन काफ़ी अच्छा है। फोन में दोस्तों ये जो की है टॉक बैक फीचर्स इसमें है, देखिए वन दबाएंगे तो वन बोलेंगे, ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आंखों में जो लोग देख नहीं पाते तो उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसमें आपको टॉक बैक फीचर्स देखने को मिलते हैं। फ़ोन का स्टाइल बहुत ही बढ़िया है, फ़ोन दिखने में बहुत ही अच्छा है, बड़ा डिस्प्ले है फ़ोन में। और दोस्तों फ़ोन का जो प्राइस की अगर बात करें, ये दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में ईजिली आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन जो इसका प्राइस है 1400 या 1500 रुपये, पर दोस्तों ऑफलाइन में अगर आप खरीदते हो तो आपको 1300 रुपये में मिल जाएगा। फ़ोन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, फ़ोन में 3000 mAh यूज़ बैटरी मिल जाएगा। तो फ़ोन दोस्तों आप ओवरऑल यूज़ कर सकते हो, डुअल सिम फ़ोन है, आपको इस प्राइस रेंज में बढ़िया फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है माइक्रोमैक्स। साथ में दोस्तों 1 साल का वारंटी भी है। बाकी दोस्तों इस फोन के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्द और एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।